तो गाइज हमें से बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि भाई रियलमी पावर बैंक 2 हमें खरीदना चाहिए कि नहीं, और इसका क्या प्राइस टैग है, और ये कौन से कलर ऑप्शंस में आता है, और इसकी क्या की स्पेसिफिकेशन है, और हर चीज़ जानना चाहते होंगे इन डिटेल में। तो हर चीज़ मैं बताऊँगा, और ये क्या हमें खरीदना चाहिए कि नहीं हर चीज़ बताऊँगा, हर चीज़ अलग अलग वेज में बताऊँगा, हर एंगल से बताऊँगा, सब चीज़ें इन डेप्थ डिटेल में होगा। और ये वीडियो को विदाउट एनी स्किपिंग देखना। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन जब भी आपके लिए मैं कोई इन डिटेल वाली वीडियो लाऊंगा या फिर कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो लाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, रियलमी पावर बैंक 2 में हमें मिलता है ब्लैक और येलो कलर का ऑप्शन, और कोई कलर ऑप्शन नहीं है। और हमें रियलमी पावर बैंक 2 में 10,000 mAh की बैटरी मिलती है और 18 वॉट की क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है इस पावर बैंक में। और मल्टीपल डिवाइस को आप चार्ज कर सकते हैं, आप मल्टी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। अब मल्टी डिवाइस होता क्या है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ ऐसे ही रिमाइंडर के लिए। मल्टी डिवाइस ये होता है, आप एक डिवाइस को एक पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, बट ये पावर बैंक इतना कैपेबल है दो फोन्स को ये पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं सेम टाइम पे। और हमें इसमें डुअल आउटपुट का पोर्ट्स मिलते हैं, और हमें यूएसबी ए एंड यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिलता है। हमें इसमें 13 लेयर की प्रोटेक्शन वाली शीट मिलती है, और ये जो प्रोटेक्टर शीट है मतलब आपका जो बैटरी है अगर बाय चांस गिरता है तो टूट जाएगा, और अगर आपका ये पावर बैंक गिरेगा तो ये है ना टूटने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ी शीट लगाई है इसमें, और ईंट फेंक के मारोगे तो भाई टूट ही जाएगा, भाई उसमें क्या कर सकते हैं, ईंट मारोगे तो टूट ही जाएगा। और हमें इसमें डिज़ाइन बहुत अच्छा मिलता है, यूनिक सा डिज़ाइन है, और ये कूल फंकी वाला डिज़ाइन है, और बहुत अच्छा है। ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन इस बार रियलमी ने बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है, और इसमें जो हमें चैसी मिलती है रियलमी पावर बैंक 2 में वो मैट वाली है। थोड़े महीने पहले जो रियलमी पावर बैंक आया था वो इतना यूनिक सा नहीं लगता था, बट ये थोड़ा बहुत यूनिक सा लगता है। थोड़ा बहुत इंटरनल में इम्प्रूवमेंट्स ज़रा सा भी नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत प्राइस टैग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, कलर ऑप्शंस में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, और थोड़ा बहुत टेक्सचर्स में चेंजेस किया है। जो भी रियलमी ने इसमें किया है बहुत अच्छा किया है, और ये अगर आपको ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हो। 999 रुपीस से मिलता है ये रियलमी पावर बैंक 2। आपका क्या मानना है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, आपका कॉमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमें रियलमी पावर बैंक 2 5 mm की थिकनेस में मिलता है, बहुत लाइट है, और ये है 260 ग्राम्स का, बहुत लाइट वेट है। और वैसे भी ये मुझे ख़रीदना होगा तो मैं ज़रूर खरीदूंगा, और वैसे भी मैं इसका गिव अवे करने वाला हूँ आफ्टर लॉकडाउन, और मैं ज़रूर करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तुरंत मैं गिव अवे करूँगा, और तुरंत मैं एक हफ्ते के बाद जिसका भी जो भी विनर है उसको मैं दे दूँगा, और वो लकी होगा जिसको मिलेगा। तो गाइस अभी बात आती है कि भाई हमें रियलमी पावर बैंक 2 में कौन सी एक्सेसरीज़ मिलती है। तो भाई इसमें हमें माइक्रो यूएसबी 2 बोथ यूएसबी टाइप सी वाला कुछ पोर्ट वाला केबल मिलता है, मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में, और भाई मैंने आपको बोल दिया कि भाई मैं गिव अवे कर रहा हूँ तो गिव अवे होगा, और अभी स्टार्टअप नहीं करा, बट अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो तो एडवांस में कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई आप भूल जाओगे कि भाई ये यूट्यूब चैनल था और ये बंदे ने बोला था। तो भाई अगर आपको करना है पार्टिसिपेट तो कर लो, और आप मेरी पब्लिक हो, और मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए वो है गिवअवेज करना, आपके सवालों का जवाब देना, और बहुत सारी चीज़ें करना। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही था, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।